स्वागत है आपका अराइव 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ हिमांशी उपाध्याय। FTII के प्रमुख के पद पर अभिनेता अनुपम खेर को नियुक्त किया गया है। अनुपम खेर की नियुक्ति पर संस्थान के छात्र संघ ने आरोप लगाया है। छात्र संघ का कहना है कि ये हितों के टकराव का मामला है, क्योंकि खेर मुंबई में अपना खुद का अभिनय प्रशिक्षण संस्थान चलाते हैं। आइए देखते हैं लाइव 24 न्यूज की ये खास खबर। बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर को पुणे स्थित प्रतिष्ठित फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष चुना गया है, लेकिन नए चेयरमैन की नियुक्ति के दिन ही 47 छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ मास बायकॉट करने का फैसला किया है। ऐसे में अनुपम खेर की नियुक्ति के साथ ही एक बार फिर विवाद शुरू होने के आसार दिख रहे हैं। दरअसल दूसरे वर्ष में पढ़ने वाले 5 छात्रों को FTII से निष्कासित कर दिया गया है। इन छात्रों को 3 दिनों के भीतर हॉस्टल छोड़कर कैंपस से बाहर जाने को कहा गया। सेकेंड ईयर के बाकी छात्रों को भी कार्रवाई का नोटिस दिया गया। ये पूरा विवाद सेकेंड ईयर के छात्रों को डायलॉग वाले शॉर्ट फिल्म बनाने के लिए 3 दिन दिए जाने के बजाय सिर्फ 2 दिन दिए जाने को लेकर शुरू हुआ। दरअसल सेकेंड ईयर के छात्रों को 5-5 के ग्रुप में 10 मिनट की शॉर्ट फिल्म बनानी होती है, जिसके लिए छात्रों को पहले 3 दिन का समय दिया जाता था, लेकिन अब इस एक्सरसाइज के लिए सिर्फ 2 दिन का समय देने का फैसला FTII प्रशासन ने लिया है। छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आप तक पहुंचा सके पहचान सच्चाई की। मैं दीपा, अराइव 24 न्यूज़।